मैं तमाम मरिए बरदरी कसे कोलिया निश्ती हैं कसे चमालिंगिया कसे हर हंदिया कहानिया हर हंदिया कसे निश्ती हर मुसलमान आस्ते हैं 8500 चक्का वही शनास्ती काटा कैसे मैसेज करें अगर शागिंद के आयल भी इतने कसे ब्लड प्रेशर है कसे ऑपरेशन है कसे कोई तकलीफ है कसे हर बीमारी आस्ते हैं मुर्शिद अस्पताल तर पुजे ने माशाला अलहमदिल्ला मवाद वक्त चका मुर्शिद अस्पताल अंदर कैसे ये रात कही हूँ बिल्कुल डॉक्टर हम संदुआ के दर मुल्क अमेर गए इलाज ने अल्लाह हर मुसलमाना खुश करें अगर मैं ये मैसेज हर हंदे हर ब्रातिया हर दोस्त संग किया पुज गए 8500 चक्का वही मशीन से काटा मैसेज करें गुड़ हमारे डिटेल कुल शार डस्सी था लिखा पड़ा है मर्द में लेकिन मेहरबानी अल्लाह शार खुश आबाद का वसर मुर्शिद अस्पताल पुज जाने से खर्चा कोई नहीं इसने सरकारी अस्पताल अंदर है सर कोई खर्चा नहीं इसने अल्लाह खुश करें। नाजीन हमारे शख्स मौजूद है मुर्शिद हॉस्पिटल में और एक पेशेंट है जो कि क्वेटा से आए आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मर्ज़ है और इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है तरीन खान। तरीन खान आप क्या करते हैं? सर मैं ये मजदूरी वगैरह करता हूँ, ये मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी वगैरह लगाता हूँ, बस ये दो वक्त का अपना रोटी शुक्र कमा रहे हैं। अच्छा जी कहाँ से हैं आप? हम पहले कोलू बलूचिस्तान से रहते थे वहाँ पे, लेकिन गुर्बत की हालत से वजह से भूखा मरते हुए अभी यहाँ पे कराची में रह रहे हैं। अच्छा कराची आ गए? जी सर। हब चौकी पे आ गए? हब चौकी पे, यहाँ पे करीब है ना हब चौकी। अच्छा जो पेशेंट हैं जो मरीज हैं ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरा वालिद साहब है। इनकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 85 साल है। अच्छा 85 साल है माशाल्लाह। तो उनको क्या हुआ था? इनको तकरीबन ये सीना और छाती का जो है ना मरीज़ है, जब इसको नज़ला ज़ुकाम पड़ जाता है तो इसकी फिर वो सीने जातियाँ जाम हो जाता है, फिर ये कैनुला इंजेक्शन इधर भाप वगैरह वो फिर सही नहीं होता है, बड़ा खर्चे हैं इसकी। अच्छा ये कब से मर्द है इनको? ये तकरीबन 7-8 साल से हो गया, फिर एक दफ़ा सही हो जाता है, फिर तकरीबन 4-5 महीने के बाद फिर ये ख़राब हो जाता है। अच्छा इन 7-8 सालों में आपने कहाँ कहाँ दिखाया है? ये हमने दिखाया था एक दो दफ़ा क्वेटे में भी दिखाया था, जना हॉस्पिटल में भी दिखाया था, सेवल में भी दिखाया था, क्योंकि प्राइवेट का इतना गुंजाइश हमारे पास नहीं था, फिर भी ये छोटे मोटे अस्पतालों में दिखाया भी था। अच्छा। और लेकिन फिर जो है एक बंदे ने मुझे बोला आप जो है ना 8500 में शनासी कार्ड का रबता करें, तो हम लोगों ने देखा जो है ना वो बाबा मेरे वाले सब माशाल्लाह इधर से आए हैं, पर अल्लाह ने एक जरिया बनाना तो वो जरिया सेहत कार्ड पे माशाल्लाह ये अहल है, तो फिर आप यहाँ सेहत कार्ड के हवाले से फिर मुझे लेकर यहाँ लेकर आया था, कौन से डॉक्टर से मिला? नहीं फिर हम लोगों ने नहीं पता, फिर अब चौकी में हमारा दोस्त था, फिर हम लोगों ने उसको पता किया कि ये सेहत कार्ड में हम आए तो अभी कहाँ पे जाएँ, तो उन लोगों ने हमें मुर्शिद अस्पताल बताया। अच्छा अच्छा कि यहाँ पे इलाज बिल्कुल सही है फर्स्ट क्लास। फिर हम लोग जो पहले यहाँ पे आए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फैजान साहब से हमारा मुलाकात हो गया, तो उन लोगों ने फिर जल्दी देर नहीं किया, तक आधा घंटा या घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बेड में शिफ्ट किया। खाने पीने से अलावा 1 रुपया का खर्चा भी नहीं हुआ शुक्र पेशेंट पे, हर चीज़ हर आधा घंटे के बाद इसकी ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, इसको भाप मिल रहा है, इसको जो है ना वो पर्चियाँ दिखा रहे हैं, कोई कंप्यूटर जा रहा है कोई आ रहा है, कोई शिकायत किसी से नहीं है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह पहले से सेहतमंद हो रहे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी डॉक्टर आया था 10 मिनट से पहले, अभी भी आया था पूछा कि बिल्कुल सही है। अच्छा। बिल्कुल ओके इंशाल्लाह। अब आपको वालिद का जो इलाज हो रहा है वो सेहत कार्ड पे हो रहा है? जी बिल्कुल। तो सेहत कार्ड के बारे में कुछ क्या कहेंगे आप, नेमत है गरीबों के लिए? हम भाई सेहत कार्ड के जरिए में यही कहेंगे कि अल्लाह ताला के इतना नेमत है ना कि हम गरीब इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं, कभी गरीब लोग हम कहाँ जाएँ, या तो हमारे को जो है ना घर पर मरना चाहिए था, या जो है ना सेवल अस्पताल या जन्ना अस्पताल, वो तो वही जगह है कि नाकाम जगह है, इंसान कहीं और नहीं जा सकते, फिर वहाँ पर जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे जो है ना हर मुसलमान को अल्लाह पाक यहाँ पे लाए ताकि उसको शफा मिल जाए।